मध्य प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट्स का अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों के सीएमएचओ को सर्विलांस सैंपलिंग और पॉजिटिव मरीजों के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोविड आउटब्रेक होने पर मरीजों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग लैब्स में कोविड संदिग्ध मरीजों के भेजे गए 100 सैंपलों की जांच की गई जो जांच में नेगेटिव निकले। इसके साथ ही गुरुवार को प्रदेश के कोविड पॉजिटिव दर शून्य हो गए। यह खुलासा स्वास्थ्य संचालय की कोविड हेल्थ बुलेटिन रिपोर्ट में हुआ है। वहीं कोविड हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। वहीं बुधवार शाम कोरोना के लक्षण वाले 100 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा 9 सैंपल लेब से रिजेक्ट किए गए हैं। इसके चलते सभी 9 कोविड संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए दोबारा लिए जाएंगे। कोविड के नए वेरिएंट BA.7 के अलर्ट के बीच भोपाल में दोबारा को कोरोना जांच के लिए 95 सैंपल दिए गए। ये सैंपल गांधी मेडिकल कॉलेज एवं दूसरे लेब भेजे गए। सभी की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी।